छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा की सरहद में हुए सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए और 32 घायल हैं। वहीं एक जवान अब भी लापता है। लापता जवान का नाम राजेश्वर सिंह मनहास है, जो जम्मू के रहने वाले हैं। वह सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो दस्ते में शामिल थे। इसी बीच नक्सलियों ने दावा किया है कि लापता जवान उनके कब्जे में है और सुरक्षित है। नक्सलियों के इस दावे के बाद जवान की पत्नी मीनू मनहास का बयान सामने आया है। जवान की पत्नी मीनू मनहास ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि मेरे पति को वापस मंगवा लो, अगर वह सुरक्षित हैं तो उन्हें वापस ला दो। जैसे अभिनंद को पाकिस्तान से वापस लाया था, वैसे ही मेरे पति को वापस ला दो। यही अपील है मोदी साहब से और अमित शाह से कि उनको वापस मंगवा लो, वो जहाँ भी है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनको मंगवा लो वापस। मेरी हमसे यही अपील आपसे, अगर वो सुरक्षित है उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे, उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूंगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उन्होंने भी बोला कि आप एक्सटेंशन करा सकते हो बस। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम कंट्रोल रूम फोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति घर लौट आए, और मोदी जी से यही प्रार्थना है कि वो उनको छुड़वाएं, कैसे जैसे मर्जी छुड़वा लें उनको, बस यही प्रार्थना है मेरी। राजेश्वर सिंह का पूरा परिवार अब उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है और मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि वह जल्द से जल्द राजेश्वर की रिहाई सुनिश्चित कराएं। न्यूज़ डेस्क।